एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन व्लॉगर प्रिया। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किसके लिए होने वाला है। मैं जा रही हूँ अपने एक ट्रिप पे और वो होने वाला मेरा सोलो ट्रिप। पहली बार निकल रही हूँ। पहले मुझे लोगों को देखकर लगता था कि कैसे कोई अकेले में इतने मजे ले सकता है, घूम सकता है। तो फिर इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए फर्स्ट टाइम मैंने डिसाइड करा है कि मैं घूमने जाऊँगी, अकेले जाऊँगी एंड देखते हैं क्या रहता है। तो अभी हूँ मैं देहरादून। यहाँ से मेरी बस है। अभी मैं बस में बैठ के दिल्ली जाऊँगी और शाम को मेरी 7:35 के अराउंड ट्रेन है दिल्ली से। तो मैं आपको सीधा दिल्ली में मिलती हूँ। सो ये है मेरा एसी फर्स्ट कोच और इसमें 4 वाला कूपे भी रहता है, 2 वाला भी रहता है। मुझे 4 वाला मिला है बट सेफ्टी के पर्पज से, क्योंकि पहली बार मैं ट्रैवल कर रही हूँ, अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, रात को ट्रैवल कर रही हूँ, तो इसमें ये डोर बंद हो जाएगा तो ऐसी कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। सो ये वाला मेरा सीट है यहाँ नीचे वाला। और बस खाना पैक हो चुका है, पैक करा के लाई हूँ। खाना खाऊंगी, सो जाऊंगी और सुबह सीधा उदयपुर में मिलती हूँ। हाई एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन। और मैं पहुंचने वाली हूँ उदयपुर। बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है सुबह से, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, सनराइज, देखो धूप कितनी तेज आ रही है। शाम के टाइम पे यहाँ पर एक कपल आया था और वो भी थोड़ी देर पहले ही उतरे हैं, तो उनके साथ भी अच्छा खासा बातचीत में टाइम स्पेंड हो गया और वो बोरिंग वाला चीज़ तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। पर चलो अभी उतरना है, जाना है। ओवरऑल ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। और बस अभी उतरने की तैयारी करती हूँ और कुछ भूल ना जाऊँ। हाँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी ये मुझे यहाँ से चढ़ के जाना पड़ेगा बैग लेके। जय माता दी। और ये है सुबह 7 बजे का उदयपुर रेलवे स्टेशन का सीन। यहाँ से मैंने ऑटो करा और सीधा अपने होटल गई। और होटल पहुँचते ही वहाँ की बाउंड्रीज का एंट्रेंस देखते ही मुझे लगा हाँ मैं सही जगह आ गई हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं चूज़ करा है। एक्चुअल में होटल बहुत अच्छा था, नई प्रॉपर्टी थी एंड लोग उसको कम ही जानते थे। तो खैर जिस तरह से मैं यहाँ पहुँच गई, अंदर का लॉबी एरिया भी बहुत अच्छा था क्योंकि जल्दी पहुँच गई थी, चेक इन में टाइम था, बट स्टिल उन्होंने बोला था आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो तब तक मैंने निकू को कॉल लगाया क्योंकि मुझे था कि अब तक तो वो उठ गया होगा सो के, एंड थैंकफुली वो रोया नहीं, उसने बहुत अच्छे से स्माइल दी मुझे फ़ोन में। और अब बारी है मेरे रूम टूर की, जो कि अगले 3 दिन तक मेरा घर होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो ये है मेरा रूम अगले 3 दिनों के लिए। बहुत 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 प्रिटी है, मुझे बहुत पसंद आया। और लाइटिंग बहुत अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और छोटा सा कॉम्पैक्ट रूम है। और बेसिक नेसेसिटीज़ जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर है। और आई होप मैं यहाँ पर कुछ रील्स अच्छे से शूट कर पाऊँ और आने वाले कुछ दिन भी। तो अभी पहले मैं जाती हूँ, नहाती हूँ और रेडी होके ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे सिटी पैलेस। और बड़े मुश्किल से यहाँ पर बैठ के मैंने एक सेल्फी ली टाइमर लगा के, एंड सी यहाँ कौन आया है मेरे से मिलने। अगले 3 दिन तक ये यहाँ आया है।
तो रात भर ट्रेन में हिल हिल कर अच्छे से नींद नहीं आई, तो इसलिए आकर ब्रेकफास्ट करके नहा धो के थोड़ा सा एक नैप लिया और अभी 1:30 बज रहे हैं, मैं बाहर निकल रही हूँ और मैं यहाँ से जाने वाली हूँ सिटी पैलेस, तो अभी वहाँ के लिए निकलते हैं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कैरी करने वाली हूँ, सिर्फ ये कैमरा रहेगा और एक ये मेरा छोटा सा हैंड बैग रहेगा। और हाँ, बाकी यहाँ गर्म बहुत है अभी, तो बिल्कुल मैं एक कॉटन की कुर्ती में आ गई हूँ। चलो चलते हैं अभी हम सिटी पैलेस के लिए। सो ये है मेन एरिया, स्टार्टिंग एरिया जहाँ से कि टिकट्स मिलते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार खड़ी है। इसका भी मैंने टिकट लिया था क्योंकि जाते हुए थोड़ी सी चढ़ाई है तो इसलिए, वापसी में तो मैं पैदल आई थी। और यहाँ मैंने 3 टिकट लिए थे, एक ये था इलेक्ट्रिक कार का टिकट एंड एक टिकट ये था जिसमें कि 30 रुपये एंट्री के थे और 200 रुपीज़ का टिकट था। वैसे पूरी लिस्ट ये लगी है यहाँ पर, सीनियर सिटीज़न के लिए भी डिस्काउंट है, उनका टिकट प्राइस अलग है, बच्चों का अलग है, डिफेंस का अलग है, देन स्टूडेंट्स जो ग्रुप में आए हैं टीचर्स उनका अलग है। तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हो, हिसाब से टिकट ले लो, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं होती है। एंड वैसे लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पूरी राइड के टाइम में एक तो मुझे चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ी और दूसरा व्यू बहुत सुंदर था। ये लेक पिचोला है और इसके बीचों बीच है ताज होटल, तो जा नहीं पाए बट हाँ दूर से देख पाई हूँ। दिन का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ, तो मैंने सैंडविच और कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करा वहीं पोर्ट के सामने से। पर ये इतना बड़ा सैंडविच आया, क्लब सैंडविच था, तो इसमें तो मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया था। बट हुआ ये कि इसके आगे 350 लिखा था, मुझे लगा इसका प्राइस है बट वो कैलोरी था, एक्चुअल में ये 650 रुपये का था, जो कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लगा मुझे एक सैंडविच के लिए। देन ये है मेन फोर्ट, पूरी इसकी बिल्डिंग एंड इसके एंटर करते ही बहुत सारे पिक्चर्स है, फोटोज़ है। 400 साल पुराना ये फोर्ट है, तो इसीलिए जो ये गणेश जी की मूर्ति लगी है एंट्रेंस पे, ये भी 400 साल पुरानी है। देन इसके नेक्स्ट रूम में जाके सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ यहाँ पर है महाराणा प्रताप का कवच, उनका तलवार, उनके तीर, जो भी चीज़ें वो युद्ध में यूज़ करते थे वो सब चीज़ें वहाँ लगाई हुई हैं। दिन हल्दीघाटी के युद्ध के बाद वहाँ के लोग जब सेलिब्रेशन कर रहे थे तो उस टाइम का ये पिक्चर है, ये पेंटिंग है एंड बहुत सुंदर है, बहुत बारीक काम हुआ है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट फ्लोर पे जाकर मुझे लगा जैसे ये कुछ बाथटब टाइप का है, लेकिन नहीं, वो संगमरमर का स्टोन था। सिंगल स्टोन से ये कुंड बनाया जाता है इतना बड़ा, और ये यूज़ होता है जब भी कोई नया राजा बनता है तो उस टाइम पे इसमें 1,00,000 सिल्वर कॉइन्स डाले जाते थे, जिसमें से 25,000 वहीं पर ही लोगों में फेंक दिए जाते थे और बचे हुए पैसे किसी ना किसी दान पुण्य में काम लाया जाता था। एंड इसमें लास्ट 1930 इसमें यूज़ करा गया था, उसके बाद से यूज़ नहीं करा गया। पूरे फोर्ट से चारों तरफ बहुत सुंदर व्यू दिखता था, कहीं ना कहीं लेक दिखता था, कहीं से सिटी दिखती थी। एंड फोर्ट में बहुत सुंदर काम करा गया आर्किटेक्ट का, एंड देन मिरर भी बहुत जगह लगे हैं, कलरफुल मिरर, तो उससे काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ता है स्पेशली सनसेट के टाइम पे। देन यह फोर्थ फ्लोर, इस जगह पहुंची मैं जहां पर कि पेड़ उगे हुए थे, तो इसमें सबसे पहले मुझसे पूछा कि बताओ पेड़ कैसे यहां आया है छत पे, तो फिर इसका किसी के पास जवाब नहीं था, तो उन्होंने बताया कि पूरा फोर्ट एक पहाड़ी पे बना हुआ है, तो ये पहाड़ी का टॉप है जहाँ पर कि पेड़ उगा हुआ है। तो आई डोंट नो कौन से कॉलेज से कहाँ से उस टाइम के आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग करके आते थे, बट बहुत शानदार काम होता था उनका। पुराने ज़माने में पोस्टमैन चिड़िया हुआ करती थी, तो ये चिड़िया के पिंजरे हैं जो कि पीतल के हैं सारे, और इस रूम का इंटीरियर संगमरमर का है। देन इस तरीके से कुछ रूम होते थे जिसे शीश महल बोला करते थे, और ये इनका पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए होता था राजा रानी का, बिकॉज ये बहुत सुंदर होते थे एंड बहुत सुंदर सुंदर बारीक इंटीरियर में काम करा हुआ था इसमें, कहीं पेंटिंग से कहीं शीशे से। इसके बाद पहुँचे हम 5th फ्लोर पे, इसको ब्लू पैलेस बोलते हैं, इसमें पूरे ब्लू ब्लू का काम है यहाँ पर ना, और बहुत सुंदर सटल सा लग रहा था, अच्छा लग रहा था बहुत। और ये है जहाँ से कि पूरा सिटी दिखता है, और ये फोर्ट का फ्रंट है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में फोर्ट का दिखाया था पूरा पिक्चर आगे से, तो ये वो वाला पार्ट है। बहुत अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। देन ये दरवाजे हैं, ये हाथी के दांत के बने हुए हैं, 2 दरवाजे वहाँ ये रखे थे एंड ये बहुत अच्छे माने जाते थे पहले के टाइम पे, हाथी के दांत के दरवाजे।
इस परिवार के लोग सूर्यवंशी थे, इसलिए गोल्ड का सूरज बनाया हुआ था और इनकेस कभी मानसून में, कभी जब सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तो वो लोग यहीं आकर हाथ जोड़ा करते थे। ये है दीवाने खास। किसी फेस्टिवल में, किसी ओकेजन में, यहाँ डांस वगैरह का जब प्रोग्राम होता था, तो यहाँ ऊपर की साइड जो जालियाँ सी बनी है, यहाँ पर लेडीज़ बैठ के प्रोग्राम देखती थी और बाकी लोग नीचे बैठ के, खास मतलब जो इनके खास लाइक मिनिस्टर्स वगैरह वैसे जो लोग होते थे, वो लोग सारे बैठ कर प्रोग्राम अटेंड करते थे। देन ये भी एक रूम था, अगेन दूसरा शीश महल, वही राजा रानी का अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए, बहुत सुंदर था ये। इसके बाद ये कुछ बर्तन थे, बहुत बड़े बड़े बर्तन थे, ऑफकोर्स इतने सारे लोग थे वहाँ तो बर्तन तो बड़े बड़े लगेंगे। देन एक ये था जिसे जनाना महल कहते थे, जो भी ओल्ड लेडी विडो जो होती थी वो यहाँ रहती थी। यहाँ सिल्वर का बेड लगा था उनके लिए और एक कृष्ण जी का झूला भी था। देन एक रूम ये था, ये गेस्ट के लिए होता था, इसमें जो झूमर लगा है ऊपर, ये इंग्लैंड से मंगाया गया था और जो साइड में फैन है ये इटली से आया था। राजघराने में संगीत का शौक तो हमेशा ऐसे ही रहा है, सबको पता है, तो ये उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के सारा कलेक्शन था, सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ था और बहुत सारे थे ये। ये कुछ पिक्चर्स है, जब भी यहाँ कोई ओकेजन हुआ होगा, वैसे यहाँ 2018 में अंबानी ने बुकिंग कराई थी अपनी बेटी की मेहंदी के लिए। इसके बाद पूरा वहाँ पर गैलरी जैसा बना था, वहाँ वॉक करते गए, वहाँ पर आर्टिफिशियल घोड़े थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत रॉयल लग रहे थे। देन ये हाथी को पहनाते हैं, वो सब सामान था, और यहाँ पर हुक्का था, बहुत सारी चीज़ थी, बहुत सारा एंटीक सामान था, ये चेस भी था, मन कर रहा था ये तो ले ही जाऊँ। देन कहीं कहीं ट्रॉफीज रखी थी पूरा, देन कहीं पालने थे बहुत सारे, मतलब ये सब एक एक पीसेस में नहीं था, बहुत सारे पीसेस में था, मैं तो खैर एक एक ही दिखा रही हूँ। देन ये सब देखने के बाद मैं आ गई फोर्ट के बाहर, और ये फाइनल व्यू फोर्ट का, क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ से निकल गई थी। आते वक्त मैंने कहा था मैं इलेक्ट्रिक कार से आई थी क्योंकि धूप भी थी, बट वापसी में सनसेट का टाइम था, ये लेक पिचोला है, बहुत सुंदर लग रहा था, मैं थोड़ी देर यहीं रुक गई। देन यहाँ से मैं सीधा भागी फतेह सागर लेक, क्योंकि मुझे वहाँ बोटिंग करनी थी, तो वहाँ जाके बोटिंग करी। उन्होंने पूरा उस एरिया में घुमाया, उदय विलास वगैरह सब दिखा रात में लाइटिंग के साथ, तो बहुत सुंदर लग रहा था। इसके बाद मैं चली गई अपने होटल फाइनली और जाकर आराम करा। सो आई एम बैक टू द रूम अगेन, और आज पूरा सिटी पैलेस घूमा, और साथ में मैंने गाइड भी करा था क्योंकि मुझे ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानना था, जगह के बारे में, बट मुझे मेन था कि मेरे को पिक्चर्स क्लिक कर दें और मेरे को रील्स के लिए थोड़े थोड़े क्लिप्स बना दें। तो फिर ऑब्वियसली उन्होंने अपना काम भी करा, बताते भी गए कुछ कुछ, बट मेरा मेन फोकस ये था भैया फ़ोटो खींच दो, भैया वीडियो बना दो। उसके बाद मैं गई लेक, फतेह सागर लेक, लेकिन थोड़ा वहाँ सनसेट तब तक हो गया था, मैं लेट पहुंची, बट स्टिल बोट राइड मैंने करी वहाँ पर एंड देन वापस आ गई। तो अभी मैं रूम में हूँ, थोड़ा सा मैं अपना डेटा ट्रांसफ़र करती हूँ, काम करती हूँ, घर पे सबको कॉल करती हूँ, और उसके बाद मैं निकलूँगी मे बी अराउंड 8:30। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, काम करती हूँ एंड फिर जाती हूँ मैं अपने डिनर पे। सो गाइज, इतना ही था मेरे आज के वीडियो के लिए, माई फर्स्ट डे इन उदयपुर व्लॉग, मेरा पहला सोलो ट्रिप। आगे के व्लॉग्स जल्दी आएंगे, सो प्लीज़ उसे देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैंने तो पूरे ही सारे ही दिन मतलब एंजॉय करा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।